आनंद गिरी को नहीं मिल रही हैं कोई अतिरिक्त विशेष सुविधाएं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सीबीआई जांच एवं न्यायिक हिरासत से गुजर रहे आचार्य आनंद गिरी बाज नहीं आ रहे हैं याशियों से। 18 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए आनंद गिरी नैनी सेंट्रल जेल के सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जोन के सेल नंबर 8 में रहते हुए लगातार जेल प्रशासन पर अपनी तरह तरह की मांग को लेकर दबाव बना रहे हैं। जहां एक और इस हाई सिक्योरिटी जोन में देश के सबसे खतरनाक अपराधियों में से कुछ लोगों को रखा गया है, वहीं लगातार आनंद गिरी अपने रसूख का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेल प्रशासन ने भी यह तय कर लिया है कि उनके रसूख के आगे वह नहीं झुकेगा। जेल प्रशासन का साफ कहना है कि जेल के अंदर कैदियों को दिए जाने वाली सुविधाओं के तहत जो भी सुविधाएं उनको दिया जाना संभव है वह निश्चित तौर पर उन्हें की जाएंगी, लेकिन किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा को जेल प्रशासन नहीं देगा। जबकि उन्हें न्यायालय के आदेश अनुसार साधारण कैदियों के साथ ही रखने का प्रावधान है, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए जेल प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर जेल के सबसे सुरक्षित हिस्से में रखा गया है। प्रतिदिन दिनभर में 3 घंटे के लिए, जिसमें 1.5 घंटे स्वभाव और 1.5 घंटे शाम को सेल के बाहर बने लॉबी में निकलने एवं टहलने की सुविधा दी गई है। लेकिन बावजूद इसके यदि लगातार उनके द्वारा अन्य किसी प्रकार की सुविधाओं की मांग की जाएगी रही है या की जाएगी तो उनकी साधारण कैदियों के साथ ही रहने का व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय अखबारों में लगातार यह खबर प्रकाशित होनी है, आनंद गिरी द्वारा जेल प्रशासन से अतिरिक्त विशेष सुविधाएं दी जा रही है या दी जाएगी, जो कि सरासर जेल प्रशासन के तरफ से नकारा जा रहा है। और जेल प्रशासन नियम और कानून के तहत जो सुविधाएं दे सकती हैं उसके अतिरिक्त और कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। पहली ये बात कि उनके द्वारा कोई सुविधा की मांग करके जेल प्रशासन को परेशान किया जा रहा है, ये एकदम सीरियसली खारिज करने वाली बात है। कोई ऐसी न उनकी तरफ से लिखित या कोई डिमांड की गई है, और चूंकि वो सामान्य श्रेणी के बंदी के रूप में वर्गीकृत हैं, तो जो सामान्य श्रेणी के बंदियों को सुविधाएं हैं हमारे जेल मैनुअल में और शासनादेश और परिपत्रों के माध्यम से वही सुविधाएं उन्हें दी जा रही है। और जब तक इस बारे में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा नहीं मिलता है, कोई अतिरिक्त सुविधा उनको नहीं दी जाएगी। उनको उच्च सुरक्षा में रखा गया है और सख्ती के साथ रखा जा रहा है, कोई भी अतिरिक्त सुविधाएं या कोई भी अतिरिक्त रियायतें उनको नहीं दी जा रही। सर, जेल प्रशासन की तरफ से कोई उनके उनके सर मिलने वालों को या उनके पास जो सामान आता है उस विषय में कोई अलग से सुविधाएं दी गई हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ उच्च सुरक्षा में जो निरुद्ध बंदी हैं, संवेदनशील बंदी हैं, उनके लिए अलग समय और स्लॉट है, अलग तिथि निर्धारित है, दिन निर्धारित है, उसी दिन उनकी मुलाकात कराई जाती है। बाकायदे हर मिलने वाले आदमी का पहचान प्रमाण पत्र रहता है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट रहती है, उसके बाद हम लोग मुलाकात कराते हैं। और चूंकि ये सुरक्षा में बंद है तो बेहद जो है सावधानी के साथ उनका परीक्षण करके ही हम लोग मुलाकात कराते हैं कि संबंधित आदमी जो है अनधिकृत रूप से तो मुलाकात नहीं कर रहा है।